हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं कोहड़ा रेसिपी। इसे कद्दू भी बोलते हैं, कोहड़ा भी बोलते हैं। और इसे ये बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। मीठा खट्टा, मीठा तीखा लगता है। और चलिए इसे बिना देर करते हुए हम इसे बनाते हैं। कढ़ाई ले लिया है, इसे गर्म होने देंगे। हल्का पानी है जो सूख जाए, अच्छे से जल जाए। हमारा पानी सूख चुका है अच्छे से, जो था इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। तेल को गर्म होने देंगे। तेल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है, इसमें हम लहसुन बारीक कटा हुआ डाल देंगे। लहसुन को अच्छे से ब्राउन होने देंगे। इसमें मिर्ची डाल देंगे, लाल मिर्ची है ये। जीरा डाल देंगे, तो हमारे सारे जल चुके हैं मसाले। और हम इसमें डाल देंगे ये सब्जी। हल्दी डाल देंगे इसमें हाफ टीस्पून। हाफ नमक डाल देंगे, नमक आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं टेस्ट के हिसाब से। इसे अच्छे से भुनेंगे। अगर इस तरह बनाएंगे आप तो जरूर टेस्ट आएगा, घर वाले बोलेंगे कहाँ से सीखा, और उंगलियां चाट चाट के खाएंगे। तो इस तरह से जरूर ट्राई करिए, ये रेसिपी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही स्पाइसी लगता है। इसे भुनेंगे हल्का से, इसे ढककर पकाएंगे 2 मिनट के लिए। इसके बाद मसाले डालेंगे हम। ढक्कन खोल के चेक कर लेंगे और इसमें मसाला ऐड कर देंगे। मिर्ची पाउडर हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर 2 चम्मच, मसाले के साथ हमने हल्दी डाल दिया था पहली, इसलिए हल्दी नहीं डाल रहे हैं। मसाले को अच्छे से चलाएंगे, हमारी सब्जी भी अच्छे से गल चुके हैं, देख सकते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट बन के रेडी होता है। दो मिनट और ढक के पकाएंगे इसे। चलिए ढक्कन हटा के देख लेते हैं, 2 मिनट हो चुका है। तो देख सकते हैं कितना स्पाइसी बना है ये रेसिपी, बहुत ही टेस्ट बन के रेडी होता है, टेस्टिंग भी बहुत आता है। गैस हमने बंद कर दिया है और गल भी चुका है हमारे सब्जी बहुत अच्छे तरीके, कम समय कम चीजों से और कम समय में। तो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी जरूर करें। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं फ्रेंड्स,
तो जरूर हमें सपोर्ट करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। देखते रहिए अयान रेसिपी चैनल।